की और इमरान खान ने उसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा आज उन्होंने बड़ा एक पैगाम भेजा है कि ये जो साजिश हुई थी पाकिस्तान में वो असल में वोटर्स के खिलाफ हुई थी। वो जानना चाह रहे हैं कोर्ट से कि आया जो साजिश की गई है वो पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म है और नुकसानदेह है, या लोगों को साजिश के बारे में जैसे खान साहब ने आगाह किया था, अपने लोगों को आगाह किया था कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। हुकूमत गिराने का मतलब ये है, वोटर का जिन्होंने मैंडेट जिनको दिया है उनको हटाने का मतलब है ये साजिश वोटर्स के खिलाफ की गई है। और अगर ये बहुत बड़ा जुर्म है तो खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क में ये जुर्म जिसको आप कह रहे हैं ये हमारी हर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर मुल्क में साजिश हो जिनका जिन्होंने मैंडेट देकर भेजा है उनको बताया जाए कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। आज अगर इमरान खान जेल के अंदर बैठे हैं तो वो इसलिए बैठे हैं कि जिन्हों की वजह से साजिश हुई है उनको बचाया जा रहा है। और आपको पता है कि मैं आकर हर दफ़ा नाम लेती हूँ, डोनाल्ड ल्यू ने पैगाम भेजा था और भेजा था जनरल बाजवा को, और हमें हम फैमिली है, हम लॉयर्स नहीं हैं। कई दफ़ा हमें कहा जाता है कि आप उनका नाम लेती हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। हमें जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम अगर नाम ले लें तो हमारे लिए ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि आइंदा अगर आपके मुल्क के खिलाफ हिंदुस्तान साजिश करेगा तो आप इसी तरह चुप बैठे रहेंगे? चुप बैठना ही गद्दारी है इस मुल्क के साथ। हमने इस मुल्क को बचाना कैसे अगर हम साजिशें होंगी हमारे मुल्क के खिलाफ और हम चुप बैठे रहेंगे? हम ज़रूर इस पर बात करेंगे, अगर हमारी भी ज़िंदगी ख़तरे में तो मेरे ख्याल में हम अपनी कुर्बानी सब मिलकर अपने मुल्क के लिए दे दें। हमें या कुर्बानी देनी चाहिए या हम अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाना चाहिए। ये इमरान खान ने वाजे करके आज सबको कहा है, लॉयर्स को भी, कि आप ये सवाल ज़रूर पूछें कि साजिश के बारे में लोगों को उनके जब उनके खिलाफ साजिश हो उसके बारे में आगाह करना जुर्म है या जो साजिश हुई है वो जुर्म है। ये उनका पैगाम था। और अगर किसी के पास सवाल है तो पूछ लें, फिर मुझे जाना है। मैडम, पिछले शाम में कुरैशी साहब की हवालत तो जो है वो हो गई है, क्या समझती हैं इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे? खान साहब को पूरी तरह यकीन है, ये जो सब आके बोलते हैं। और कई दफ़ा मेरा ख्याल है हमारे लॉयर्स भी खुशी में बता देते हैं कि खुशखबरी आ रही है कि रिलीज होने लगे। मैं इनको भी ज़रा बात करना चाहती हूँ। आप आज इन सब से पूछें कि यकीन से आप कह रहे हैं कि इनको रिलीज़ कर देंगे? ये लोग यकीन से सारे कह रहे हैं, ये अपने आप को खुश फहमी में रह रहे हैं। अगर लॉयर्स खुश फहमी में, हम नहीं और ना ही खान साहब हैं। उन्होंने खान साहब, अब आपको किसी को पता है कि खान साहब तो रिलीज़ करेंगे? कितने लोग यहाँ वोट लेने, आपका ख्याल है इलेक्शन से पहले रिलीज़ करेंगे? आप बताएं, वोट ले लें। आप सबको पता है और हमें भी पता है। इसे लॉयर्स को भी मैं कहूँगी, आप एक दफ़ा ये नहीं कि आप उम्मीद रखे ना, लेकिन किस तरह करेंगे? जितनी मेहनत करें कि खान साहब की शक्ल ना बाहर नज़र आ जाए। आज वो माशाल्लाह इतने मतलब इतने खुश आए थे और इतने वो हम लग रहे हैं कि हम उनके साथ ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं परेशानियों में कि ये बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल खान साहब को नहीं रिलीज़ करना उन्होंने। अगर शाह महमूद कुरैशी रिलीज होते आप इंतज़ार करो। हम भी सारे पूछ रहे थे कि आज आप बाहर आएंगे तो हम मिठाइयाँ लेकर खड़े हों कि ना खड़े हों। उनका ख्याल है कि शायद वापस ले जाएंगे। बात ख़त्म कर लें, अभी मैंने बात नहीं खत्म। उनका ख्याल है, उनको खदशात थे कि अगर वो बाहर रिलीज होंगे तो जैसे पहले इन्होंने किया है उनको दोबारा अरेस्ट कर लेंगे। अब ये नहीं पता, इसे आप इंतज़ार करना, मिठाइयाँ लेकर आप खड़े होना। मैडम ये बताइएगा, पहले खान साहब कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की, फिर बैकफुट पे चले गए। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड। आपको मैंने पूरा पैगाम सुना दिया, आपको शायद आपने सुना नहीं था, आप शायद मौजूद ना हो। आप अपने भाइयों से उसका जवाब ले लें, ठीक है? और नहीं, आपका सवाल नहीं था। आप जब आप प्लांटेड सवाल पूछेंगे ना,
मुझे समझ आती है आपके मैंने सवाल बेवकूफ अहमकाना सवाल है, मैंने नहीं इसका जवाब देना। आपने कहा इमरान इमरान आप सुन लें, आप गौर से सुन लें, मैं ये कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं आप लोगों की वो लिहाज नहीं इस चीज़ का करने लगी। आप मुझे पता है क्या पूछ रहे हैं, इमरान खान ना कभी बैकफुट पे गया है ना कभी उसे, मैं आपने मेरी जबान नहीं सुन रहे पिछले इतने दिनों से, आप किधर थे जब मैं बात कर रही थी, आप रोज यहाँ खड़े होते हैं, इमरान खान का पैगाम मैं लेकर आती हूँ, आपने सुना नहीं था, आप रोज सुन रहे हैं मेरा पैगाम, आपको सुनाई नहीं दे रहा, वो जेल में बैठा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस किस्म के सवाल चुप करें, आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं, आप ना एक सेकेंड आप जान के ही वो सवाल कर रहे हैं कि फिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा जब मैं इतने दिनों से आपको बता रही हूँ। जवाब हो तो आप दे दीजिए। आप है, तो आप है भाई। देखें मुझे पता है दुख क्या होता है, आप जैसे जब लोग आप कह रहे हैं बैकफुट पे गया, आपने कहा उसने अपना लफ्ज बदला, आपका ख्याल है मैं थक गई हूँ कह कह के, हम घर से निकल के आके आपसे बात कर रहे हैं, आप इधर खड़े थे आज भी उधर ही खड़े हैं, आप मेरी बात सुने, मैं उनका पैगाम लेकर अभी खड़ी होके बोला है, कौन सा बैकफुट उन्होंने किया है, आती है, हम भी आपसे रोज मिलते हैं यहाँ, हमें पता है आप मुश्किलात में हैं, हम भी यहाँ, लेकिन सवाल तो आप करने का, दोबारा पूछ ले, अब पूछ ले, मैं आपको जवाब दे, ये कहने जा रहा हूँ कि खान साहब पहले कह रहे थे कि अमरीकी साजिश हो रही है, उसके बाद उन्होंने कहा कि साजिश पाकिस्तान के अंदर से हुई है, उसके बाद कहा गया जनरल बाजवा ने साजिश, अब आप कह रही हैं कि साजिश वोटर्स के खिलाफ, असल साजिश क्या है ये बता दें। मैं आपको बताऊं, आप मैं जब शुरू से बात की है, खान साहब का पैगाम दिया है, मैं यकीन से कह रही हूँ आप मोर आप लफ्जों को तोड़ के बोल रहे हैं, और आप साजिश आप कर रहे हैं, आप प्लांट कर रहे हैं, आपका जो जिसने भी आपको कह के भेजा है, आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने दूंगी, मैं आप रिपीट करने लगी हूँ, आपने अभी कहा कि अमेरिका की साजिश थी, साजिश वो भी सही है कि यहाँ से किसी ने साथ दिया तो साजिश हुई है ना कामयाब, खाली अमेरिका तो नहीं कहेगा तो ये साजिश पूरी हो जाएगी, एक एक अगर किसी ऑफिशियल ने खत भेजा, सारों को पता है उस खत में क्या, क्योंकि बाहर अमेरिका में ये बात छप चुकी है, बात सारी है 6 महीने से हमारा भाई अंदर बैठा हुआ है, इस पाकिस्तान का लीडर अंदर बैठा हुआ है, हमें किसी को अगर तकलीफ नहीं हो रही तो हमें इसका ख्याल करना चाहिए कि बाहर से उसकी हुकूमत गिराई गई, वोटर्स का हक छीना गया, क्योंकि मैंडेट तो ये हुकूमत को किसने देकर भेजा था, वोटर्स ने देकर भेजा था, तो ये साजिश तो वोटर्स के खिलाफ होती है, और अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी को समझना चाहते हैं, मैं आपको राय दूंगी जिन्होंने भी ये सवाल किया है, आप अमरीका के लॉज भी चेक कर लें और आप यूएन चार्टर के लॉज भी चेक कर लें, आपको फिर ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। और जब आप कहते हैं ना इमरान खान ने बैक अपने अल्फाज चेंज किए, इमरान खान ने आज तक अपने अल्फाज नहीं चेंज किए, मैं रोज आके थक गई हूँ बता बता के, और आपको भी पता है आप यहाँ रोज खड़े होते हैं, उन्होंने एक ही बात की है, पहले भी एक बात की है और आज भी एक ही बात कर रहे हैं, और अगर आप अपनी पुरानी फुटेज देख लें, फिक्र ना करें मैं नहीं थकूंगी, आप हर दफा पूछेंगे सवाल मैं आपको वही बताऊंगी, पहले से भी इमरान खान यही कह रहे थे और आज भी वही कह रहे हैं, और हम भी उनके साथ यही पैगाम लेकर आते हैं हर दफा, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर देना, खान साहब का स्टांस एक ही है।